अबे पगलेट, सठिया गया है क्या? क्या रे शाणे, इस महीने 15-20 प्रोग्राम किया तुम लोगों ने और अब तक अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं आया, क्यों? ए, तेरे को किस बात का पैसा चाहिए? अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अबे बोल तो ऐसे रहा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का टावर तेरे घर पे लगा है। पैसा क्या तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले? जो करना है कर ले। अबे तुम लोग ज्यादा शाणे बन रहे हो, तुम लोग का बाप किधर है? अबे ओ, अगर हमसे बात करेगा तो मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर यही मैटर हमारे भाई के पास पहुंच गया ना तो वो तुझे रॉकेट बना के उड़ा देगा। अबे, लगता है तुम लोग नशे में हो। ये अपुन की टेरिटरी है। जंगल का राजा एक ही है और वो है अपना त्रिमूर्ति। एक लात में धूल चाट ली। अबे काम कर, जाके अपने बाप को बुला, उसके सारे पाप धो देता हूँ, समझा? जा बुला के ला। इसी झूले में तुम सबको झूला झुलाऊंगा। अब तुम्हारे किए की सजा पूरा शहर भुगतेगा, समझे? अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो पालकी उठाओ। अरे ये लाइट कैसे चली गई? जनरेटर ऑन करो भाई। जनरेटर ऑन करने में टाइम लगेगा। अरे कुछ तो करो। अरे इनको कोई अगरबत्ती दे दो। अरे तुम लोग इधर टाइम पास कर रहे हो, वो लोग उधर लफड़ा कर रहे हैं। चलो रे, चलो चलो चलो। पालकी नीचे रख। ये क्या पाप कर रहे हो? अबे पंडित नशे में है क्या? एक बार बोला ना पालकी नहीं उठेगी। नहीं पता क्या, बिजली कट गई है। अबे बैटरी बिजली कट नहीं गई, काट दी गई और मैंने काटिया है, समझा? अरे क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिर चाहिए क्या तुम्हें? क्या चाहिए होगा, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। ये अन्याय क्यों कर रहे हो? न्याय चाहिए तो अदालत में जा, अपने को तो सिर्फ रोकड़े से मतलब है। वो ऊपर वाला दे देगा। ऊपर वाले से तू ले लेना, अभी जो तेरी जेब में है वो मेरी जेब में डाल दे, समझा? सब लोग कान खोल के सुनो, तुम लोग सब भले यहाँ दर्शन करने आए हो लेकिन जब तक त्रिमूर्ति मेरे को पैसे का दर्शन नहीं कराएगा अपन किसी को दर्शन नहीं करने देगा। दुबई के लिए वीजा जरूरी है तो दर्शन के लिए रोकड़ा। अगर किसी ने भी जरा सा 3-5 किया तो अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ इस जगह को मैं शमशान बना दूंगा। चलो रे। अरे पावर के टावर, तूने पावर कट किया ना, और तुझे क्या लगा सिर्फ तेरे टावर में ही पावर है? अपुन ने भी बैकअप इसीलिए रखा ताकि कोई बाल भी बाका ना कर पाए। ए, जनरेटर ऑन कर। जाओ, जनरेटर चालू नहीं होना चाहिए। अब अपुन का भेजा घूम चुका है, त्रिमूर्ति यहाँ आएगा तभी को यहाँ से जाएगा। क्यों भाई, वो त्रिमूर्ति कहाँ है? अरे वो तो मंत्री जी को लाने गए हैं मंदिर के फंक्शन के लिए। अरे त्रिमूर्ति अब मंत्री को लाने क्यों चला गया? यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है, उसे तो यहाँ होना चाहिए। त्रिमूर्ति पर भरोसा करके सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, अब कौन जवाबदार है बताओ? अरे अंकल, इसमें त्रिमूर्ति की गलती नहीं है, ऊपर वाला उसे यहाँ जल्द भेज देगा। और सुन लो, आज तक त्रिमूर्ति ने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। भरोसे की बात क्या करता है, त्रिमूर्ति और पावर दोनों गायब है, लंबी लंबी फेंक। त्रिमूर्ति और पावर अलग अलग नहीं है, त्रिमूर्ति ही पावर है। Hey, कौन है रे वो? Hey, जाके देख। तेरा ही वेट कर रहे थे। सूरी नाम बताइए। सूरी त्रिमूर्ति। अरे कोई एक नाम बताओ बेटा, हम दोनों एक ही हैं। ये भी ठीक है, देख रही हो? चुप रहता हूँ, आप पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण। चलता हूँ। नमस्ते साहब, कुछ मसले थे इसलिए आपके घर पर आए थे है? लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जैसे आप मुझ पर भरोसा करते हैं मैं इस पर। आपके जो भी मसले हैं आप त्रिमूर्ति को बता दीजिए, ये देख ले। जैसा आप कहें। जिंदाबाद, चलो।
आलू ले, गोभी ले, धनिया ले। आ, हो गया। बेटा, भगवान तुझे अच्छी सी बीवी दे। त्रिमूर्ति। अरे अरे। ए भाई, कहाँ जा रहा है? लाइन में आओ। मुझसे पूछ रहा है, ये घर भी मेरा है और वो जिस कुर्सी पे बैठा है वो भी मेरी है। हाँ भाई, जाइए जाइए। बात करता है। तकरीबन 20 साल से राशन की दुकान पे काम कर रहा हूँ और ऐसी लाइन मैंने वहाँ भी ऐसी लाइन नहीं देखी मैंने। ये तुझे हमदर्द नहीं समझ रहे, इनके लिए हमदर्द मंत्री जी का बेटा है, इसलिए तेरे सामने लाइन लगाए खड़े हैं। और तू इतना बड़ा हो गया है कि मेरे सामने ऐसे बैठा है। हटो हटो, मेरा बेटा थक गया है, ये लो। बर्नी में क्या लाई हो? मैंगो जूस। मुझसे पूछा था? क्या कहा तुमने? मेरे बेटे के लिए तुमसे पूछने की क्या जरूरत? तुमसे तो किसी भिखारी ने भी दोस्ती नहीं की। इतने बड़े करोड़पति ने मेरे बेटे से दोस्ती की है, तुम्हारे गले से तो पानी भी नहीं उतरा। चुप रहो। कुछ भी बोल रही हो तुम, मेरे सामने इस बदतमीजी से बैठा ये तो बर्दाश्त कर लेता हूँ मैं, लेकिन मेरे बाप की छतरी को सर पे लगा के बैठा ये कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं? कुकर सीटी मार रहा है, जाकर गैस बंद करो। अरे तुम क्यों सीटी मार रहे हो? तुमसे नहीं, कुकर से बात कर रहा हूँ। तेरे लिए एप्पल लाती हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। तेरे को किसने तोड़ा? अरे भाई, अपने एरिया में एक आदमी ने हमें बहुत बुरी तरह तोड़ा। अलग जगह उंगली करेगा तो आईसाइट टूटेगा ना। क्या धांधली किया? अरे कुछ नहीं भाई, खाली दरवाजा ठोका। क्या हुआ? अरे बिना धूप के काला चश्मा। अपन बचपन से ही ऐसा है, मुद्दा क्या है? अरे अपना पायरेसी सीडी का धंधा है, चाहिए क्या? पिक्चर अगले हफ्ते रिलीज होगी, लेकिन अपने पास पहले ही जा गई। ये देख विरूपक्षा, इसे तूने डायरेक्ट किया है? अबे काला चश्मा पहन के सुनाई नहीं दे रहा है क्या? प्रोड्यूसर तू ही है क्या? अरे सब इसके अपन प्रोड्यूसर से अमीर हो जाते। एक बात बताऊं, लोग तीन तरह के होते हैं, पहले जो खुद कमा के खाते हैं, दूसरे जो बाप की कमाई खाते हैं, और तीसरे वो नीच लोग जो दूसरों का छीन के खाते हैं। तुम लोग वो तीसरे नंबर वाले हो जो दूसरों का चुरा के अपना पेट भरते हो। तुम लोगों को चुन चुन के एक साथ लाके मार देना चाहिए। पायरेसी का धंधा करने वालों को उम्र कैद होनी चाहिए। अरे भाई वैसे ही बहुत मारा है, अब डायलॉग मत मार, सीधे सीधे मैसेज देना। दूसरों का हक कभी मत मारो। ऐसा करो, मेकअप डन। अब चल के तेरा बर्थडे केक काटते हैं, जल्दी चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरुणी, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओए बंद करो, इतना बवाल काहे को मचा रही है? मेरा बर्थडे है, मैं ठुमके लगाऊं तुझे क्या? बड़ा आया ये ना बर्थडे, तू इन छिछोरी लोग के साथ मना रही है, है? बर्थडे घर पे मनाने का, अम्मा बाबा का आशीर्वाद लेने का और गरीबों में खूब दान करने का, क्योंकि ये तरीका अपन हिंदुस्तानी लोगों का है, समझी? ये सब नाच गाना ना फिरंगी लोग का है। अपना एक बात मान, जाके अपने अम्मा बाबा का पैर छू। क्या? अबे हिप्पो, माँ बाप का पैर और मैं छूंगी? ये सब तो पुरानी बातें हैं। क्या बोली रे? क्यों रे? पहनावा बदल गया तो क्या हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता भी बदल गई? शानी बन रही है? सुनो बंदा, अपने भेजे में आज एक बात अच्छी तरह घुस गई ली। वो क्या भाई? आज के बाद जन्मदिन का कॉन्ट्रैक्ट बांध, ऐसे लोगों का अपन दिमाग खोलेगा। एक नंबर भाई, समझी क्या? हिप्पो ए भौंक रे। डीजे वाला, डीजे बजाना ही तेरा काम है,
मुंह मत चला, समझा? तू है कौन कार्टून? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा तो तू लाली पाउडर वाली है, तो गालों पे पाउडर लगा, डीजे में उंगली मत कर। हैं तेरे बाजू वाले इतना क्यों बज रहे हैं? तेरे स्पीकर में आवाज नहीं है क्या? ए, ये स्पीकर बजा तो अगल बगल के सारे वूफर फट जाएंगे। पर तू क्यों इतना बज रही है? क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। ओ ऐसा क्या? कल अपुन का भी हैप्पी बर्थडे है, साथ में केक कटिंग करेगी? ए बकवास मत कर। ए, क्या रे ज्यादा गला फाड़ रही है क्या? एक नारी वो भी कुवारी, नाचती फिरती मारी मारी, और शहनाई वाले गाना बजाते हैं, सजना पर जाऊं मैं वारी वारी, ना जाने आज की लड़कियों को हो गई है कैसे ये बीमारी। हाय हाय, तुम पर ये चीजें शोभा नहीं देती। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इतने टाइप की लड़कियां मुझे तो मालूम ही नहीं था। सुन बे, मैं जीन्स टॉप स्कर्ट और वन पीस पहनने वाली एक मॉडर्न लड़की हूँ, ओके? लेकिन मैं शादी के लायक हो गई हूँ ये कैसे पता तुझे? मैं बालिग हूँ ये कैसे पता तुझे? बोल ना, ज्यादा शाना बन रहा है तू। अब क्या हो गया तुझे? बोलती बंद होगी तेरी? तू मेरा पड़ोसी है या मेरा कोई रिश्तेदार है? मिस्टर डीजे, मैं अभी भी बालिग नहीं हुई हूँ, मेरी भी एक दुख भरी दास्तान है। कितना दुख है जिंदगी में? मेरे माँ बाप को औलाद नहीं हो रही थी, बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद उनकी जिंदगी में मैं आई। उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, यही सोच उनको मौत के करीब ले आई, लेकिन मैं तो अभी तक जवान ही नहीं हुई। तो टोनिक लेना। तुम्हें भी ये बुरा लग रहा है? तू नहीं समझेगा डीजे बाबू, इस डीजे वाले का तो मैं ऑर्केस्ट्रा बजाऊंगी, तब आएगा असली मजा। सुनना, मुंह खोल के बोलना। जिसके दोनों पैर ठीक हों उसे अपाहिज कहोगे तो कैसा लगेगा बताओ? और अगर किसी पढ़े लिखे को अनपढ़ कहोगे तो उसका दिल टूट जाएगा, ठीक उसी तरह तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया। मेरे जख्म को कुरेदोगे तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मलहम लगाने तो कोई भी नहीं आता। बच्चों, अब तो तू क्लीन बोल्ड है। एक बेचारा मलहम लगाने आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बालिग नहीं हूँ तो मुझे मलहम उसी को लगाना पड़ा। तूने मेरा दिल दुखाया ना, सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, तू नहीं बचेगा। हाथ रखो। ये क्या कर रहे हो? हाथ थाली पर रखने को कहा है। पूजा किसके नाम से करना है? जान पहचान वाले के लिए। नाम बताओ। माइत नहीं। राशि क्या है? माइत नहीं। जन्म स्थान? वो भी पता नहीं। हाथ हटा। नर नारी किन्नर आखिर है क्या? छोकरी है। ओ लड़की, यानी प्रेम का मामला है। अरे कैसे प्रेमी हो तुम लोग? नाम का पता नहीं, पते का पता नहीं। तुम लोगों के जैसे फालतू पंडित नहीं हूँ मैं। मुंह उठाए चले आते हो पूजा कराने। मैं मुख्य पंडित हूँ, ऐसे काम नहीं करता। पूजा करो। तुम जैसों के ढकोसले जानता हूँ, मुंह बंद कर। पुजारी जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तकदीर की मार खाई लड़की के लिए पूजा करवानी है। तकदीर की मार खाई? बेटा ऐसा क्या हुआ लड़की को? गूंगी है, अंधी है, हाथों से लूली है या पैर से लंगड़ी है? नहीं तो फिर कौन सी तकलीफ है लड़की को? उस लड़की की हाँ बोलो इच्छा है कि? बताओ ना क्या इच्छा है। वो जल्दी से क्या चाहती है? बालिक हो जाए। क्या कहा? क्या हुआ? इसकी बात ने मुझे हार्ट अटैक दे दिया। हार्ट अटैक दे दिया? सुनो चाचा, बंद करो दरवाजा। क्या हुआ? किसी की वजह से पंडित को हार्ट अटैक आ गया। रमेश पुलिस को बुलाओ। इसलिए हमारे पंडित को हार्ट अटैक। पुलिस, पुलिस। अरे पुलिस यही है, बोलो क्या हुआ? आपके मंदिर में रहते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए खूनी अभी अंदर ही है, वो बच के जाना नहीं चाहिए। आप जाके उसे पकड़ लीजिए वरना वो भाग जाएगा। यही है वो लोग। पुजारी का खून तुम्ही लोगों ने किया ना? नहीं सर, हम लोग ने कुछ नहीं किया। वो जो पीछे खड़ा है ना त्रिमूर्ति, उसने किया। त्रिमूर्ति? छोड़ना नहीं उसको। वहाँ कोई नहीं है, तूने मुझे बेवकूफ समझा क्या? सर चश्मा लगा के देखो। अच्छा बेटा चश्मा लगा। 3D वाला। क्यों बे? आप उनने उनको फोन करके छोड़ने के लिए कहा था,
उससे ही पहले तुमको तोड़ डाला क्या? नहीं भाई, उससे पहले तो हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन फोन आने के बाद ऐसी ऐसी जगह मारा कि मैं बता भी नहीं सकता। त्रिमूर्ति उधर देख। एक दिन का तुम्हारा रेट क्या है? एक दिन का अपने हिसाब से जो बन पड़े दे जाना, नहीं दोगी तो भी चलेगा। हेलो, डेकोरेशन का कितना लेते हो? अच्छा, लेने देने की बात है, त्रिमूर्ति से पूछ लो। कितना? वो हम प्रोग्राम पे फिक्स करते हैं। क्या प्रोग्राम है? लड़की के बालिग होने का फंक्शन। कौन सी वाली? लड़की के बारे में जानना जरूरी है। अगर तुम चाहती हो कि हम वहाँ आए तो तुम्हें हमें अपने बारे में सारी डिटेल देनी होगी। वो मैं ही हूँ। और किसी का प्रोग्राम होता तो 50,000, लेकिन तू अपनी है तो इसलिए 20,000 में मांडवली कर लूंगा। क्या कहा, मुझसे इतना लोगे? ठीक है, 15 दे देना तू। 15,000 में तो मैं पूरी दुनिया खरीद लूंगी। अच्छा, अब ये भी ज्यादा लग रहा है, तो 10 दे दो। अबे भीख मांग रहा है क्या? नहीं, मांग ले। एक काम करना, छोकरे लोग की मोहब्बत में 1,000 ही दे देना। अगर इतना भारी डिस्काउंट देना है तो दुकान भी उसी के नाम पे कर डाला। अभी तक तो प्लास्टर का पैसा भी नहीं दिया। इनका भी तो सोचना है। आप 1 रुपया और डाल के 1,001 दे दो। ये लो 1,001। छब्बीस तारीख को 6 बजे का फंक्शन है, पूरी डेकोरेशन 5 बजे से पहले हो जानी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबू क्या हुआ? बाबू अंदर आ जा। अबे ये क्या स्कैम हो रहा है? तूने इस प्रोग्राम को क्यों रोका? 2G, 4G, 5G से बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पर। ए, जो बोलना जल्दी बोल, टेंशन मत दे। लड़की को बदल दिया तुम लोगों ने? क्या शादी हो रही है जो लड़की बदल दिया? वो तो समझपुर वाली बात है, उसमें तो 2 जिस्म और 2 जान मिलते हैं, लेकिन ये तो लड़की के बालिग होने का प्रोग्राम है और तुम लोगों ने लड़की बदल दी। 420 लगेगा चिचा। त्रिमूर्ति, गोलमाल इसी ने किया, इसी का किया धरा है। हाँ तो भाई लोग, आके फाड़ के देख लो, यही वो लड़की है जिसके लिए ये प्रोग्राम है। ए चुप कर, मैं ही इस लड़की की माँ हूँ और ये लड़की बालिक है। 4 घंटे पहले ही चुई। 4 साल पहले ही बालिक हो गई थी। अरे चाची, मुझे चूरन मत दो, मैं इस पट्टी की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ से फालतू की बात की ना तो तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। अपुन से झूठ बोली, टाइप को बोली। पैसा पैसा पैसा। सुन बे, मैं लोगों को वो चीजें दिलवाती हूँ जो उन्हें चाहिए होती हैं, और बदले में मैं उनसे कमीशन लेती हूँ। अगर मैं किसी को 20,000 की चीज दिलवाती हूँ तो मेरा बनता है 2,000। ये डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसीलिए लिया था ताकि मेरा थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन ये तो बड़ा दिल वाला निकला, 1,000 में ही मान गया, जिससे कि मेरा अच्छा खासा फायदा हो गया। ए ब्यूटी पार्लर, भाई ने तेरी मोहब्बत में 1,000 की पर्ची फाड़ी, वरना इस काम के लिए 50,000 प्लस GST लेते। बाजू हट, इस लड़की से 1,000 और मेरी लड़की के फंक्शन के लिए मुझसे 50,000 लिए। ए, अभी सबको सबक सिखाता हूँ। अरे तोड़ो ना सबको। तुम लोग डंडा लेके हुलपट्टी दे रहे हो, अपना त्रिमूर्ति हचक 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 तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा। चल मेरे भाई, दिखा दे कि तू क्या चीज है। परेशान मत हो, तुझे फीस के लिए पैसे मिल जाएंगे। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तेरे भाई को, वो बस आने ही वाला है। तुझे फीस के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? पता नहीं वो कब आएंगे और मैं कब जाऊंगा। बस आने ही वाला है। हेलो मंजुनाथ। हाँ मैं क्लब में पहुंच गया मेरे भाई, बस तेरे आने की देर है, जल्दी पैसा ले क्या। अरे सुनना यार, माँ को मैंने मना लिया है, बस भैया के घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो जैसे ही घर आएंगे मुझे पैसा मिल जाएगा यार, तब तक तुम लोग वहाँ मजे करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ और पैसा लेके आता हूँ, समझे? हे, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। ए, मैं रखता हूँ, भैया आ गए। अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है,
थक गया होगा ना? बहुत थक गया। ठीक है, अब जो भी पैसे मिले हैं वो सब छोटे को दे दो। जो पैसा हमें मिला है वो छोटू को देंगे तो संभाल नहीं पाएगा। ये सब संभाल लेगा, दे दो इसे। ये संभाल नहीं पाएगा, हमने पैसे की कलेक्शन आपस में बांट ली थी, अगर एक साथ दे दिया ना तो ये दुनिया से उड़ जाएगा माँ। ये क्या बोल रहा है? 100% सच बोला है, आज त्रिमूर्ति ने इतिहास लिखा है। माँ आज कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, आज अपन को किधर से भी एक रुपया नहीं मिला है। देखो माँ, आज कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन है, अगर आज पैसे नहीं भरे तो भूल जाना कि आपका बेटा कभी डॉक्टर बन सकता है। ए, कितने लाख चाहिए? कितने लाख? इतने पैसे कैसे मिलेंगे? अरे आप उनका लंगोटी सूरी है ना, बस उसका नंबर डायल करूंगा, वो खुदा के दे के जाएगा। बंद कर बकवास, ऐसे पैसे वालों की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अपनी जरूरत में पैसा मांगोगे ना तो उन्हें ये लगेगा कि तुम उनका फायदा उठा रहे हो। कर्ज हमेशा अपने बराबर वालों से मांगो, और न मांग सको तो ब्याज पे पैसा ले लो, लेकिन अपने रईस दोस्त से कभी भी पैसा मत मांगो। अगर मांग लिया तो यकीन मानो कितनी भी मजबूत दोस्ती हो दरार आ ही जाएगी। जर जोरू और जमीन अक्सर रिश्ते खराब करने की वजह बनते हैं, तो चाहता है ना तू और सूरी हमेशा दोस्त बने रहे आखिरी सांस तलक, तो तू जिंदगी भर उससे कभी पैसा मत मांगना। आप लोग सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, पैसे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। अगर फीस नहीं भरी तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। एक काम करता हूँ, कल से इनकी तरह मैं भी डीजे बजाना शुरू कर देता हूँ। क्या बोला बे? अरे बेटा, डीजे बजाएगा तू? डीजे बजाएगा? सुन, 4 साल पहले बाबा बुरी तरह बीमार पड़े थे, डॉक्टर ने 500 टेस्ट करवाए, दवा खरीदते खरीदते मेरा दिमाग घूम गया, लाखों खर्च हो गए थे। 1 साल पहले फिर हालत बिगड़ गई थी, ठीक से चला भी नहीं जाता था। फिर से डॉक्टर ने एक पर्ची टिका दी, ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट टेस्ट पेट टेस्ट करने में फिर से लाखों खर्च हो गए थे। सुनते हम जैसे गरीबों की आधी कमाई का हिस्सा तो वो डॉक्टर अपनी जेबों में डाल लेते हैं, इसीलिए तो तुझको डॉक्टर बनाकर मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, और तू डीजे लगाएगा? हाँ, तुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है ना, आज ही भरनी है ना? ले जाइए पैसा और भर दे अपनी फीस। रुक, क्या कर रहा है? बहन के ऑपरेशन के लिए जमा किए हुए पैसे दे रहा है। ये भी तो डॉक्टर को जाएंगे ना, छोटू भी तो डॉक्टर बनेगा, तो इसी को दे देते। चल ले जा रे, अब डॉक्टर बन जाऊंगा। थैंक्स भैया, आता हूं पापा। ये क्या किया तुम्हें? कुछ ही दिनों में गुड़िया के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे? वक्त पर कोई पैसा नहीं देता, हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू क्या करेगा बेटा? माँ ये पैसे ऊपर वाले से लिए हैं तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। नमस्ते। आओ बेटा आओ। पापा नहीं आए बेटा? उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आया हूँ। मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे सूरी को यहाँ भेजा है। ये अपने शुभ हाथों से मंगलसूत्र देंगे, तभी मेरी बेटी का विवाह संपन्न होगा। सुनो, रुक जाओ तुम, इसकी उम्र मेरे बेटे से कम है, इसके हाथ से मंगलसूत्र दिलाना ठीक होगा क्या? आप ही बताइए जरा। समधी जी, मंत्री जी हमारे लिए भगवान के बराबर हैं, इसलिए उनका बेटा भी हमारे लिए भगवान ही है। बेटा मंगलसूत्र दो, खड़े हो जाइए। ये क्या फालतूगिरी हो रही है? मंगलसूत्र देने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं है? आपको ऐसा मजाक लग रहा है? अगर आपकी तरफ से कोई बुजुर्ग नहीं है तो हमारी तरफ से कोई ना कोई आ जाएगा। आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये हमारे खास मेहमान हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं। हमारे परिवार का इन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया है। और हाँ, दहेज के नाम पर जो 50 लाख मांगे थे ना, वो दहेज की रकम इन्होंने ही हमें दी है। इन्होंने दिए हैं? हाँ दिए हैं। लेकिन इन्होंने ही क्यों दिए? तेरा और इसका कोई झोल है क्या? समझी नहीं क्या? कोई किसी को लाखों रुपए ऐसे ही क्यों देगा? उसका और तेरा जरूर कोई गहरा रिश्ता है। हमारी शादी तो हो रही है पर मेरी सुहागरात नहीं होगी, क्योंकि तू पहले ही इसके साथ बना चुकी है।
समझ के हाथ उठाए मैं अकेला हूँ। आज मेरे साथ मेरी पूरी फौज है। इन सब के साथ मैं तुझे कुचल दूंगा। जाओ जाकर कुचल दे इसे। फोटो याद रखना, त्रिमूर्ति नाम है, फाड़ के रख दूंगा। चल सुन बे, जहां भी जाता हूं ना बुराई को दफना देता हूं। त्रिमूर्ति नाम याद रखना। इस पार्टी ने देश का भरोसा तोड़ा है। कहा था पानी देंगे, राशन देंगे, रोजगार देंगे, सब देंगे, लेकिन दिया क्या? सिर्फ धोखा। फिक्र मत कीजिए, वो बुराई का दौर था, अब अच्छाई का जमाना आएगा। ये कुछ ज्यादा ही खुशी मना रहा है। अरे साहब, उसे खुशी मना लेने दो, क्योंकि वो मरने वाला है। हाँ देखिए, यमराज की फौज जो जितना बोलता है ना, मौत उसे उतना ही तोलती है। आप दो पैक मारिए और सो जाइए। जब तक ये मरेगा नहीं, नींद नहीं आएगी। जज्बाती क्यों हो रहे हैं? उसे सुलाना है ना। आप अपने तकिए के नीचे से 10 लाख निकालिए और मुझे दे दीजिए। ए, इस लल्लू के लिए 10 लाख? 10 लाख ज्यादा क्या? वो आपके मुंह पे बेइज्जती कर रहा है और आपको 10 लाख की पड़ी है? शर्म आनी चाहिए आपको। उसकी सरकार आ गई तो 10 करोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। साहब ये रहा बिल। काम हुआ भी नहीं उससे पहले बिल लेकर आ गए, क्या है? साहब ये शादी के हॉल और डेकोरेशन का 2 लाख का बिल है। अब ये 2 लाख किस लिए? अरे कल छोटे बाबू को आपने अपनी जगह शादी में भेजा था ना, साथ में त्रिमूर्ति गया था, तो तोड़ फोड़ तो होगी। ए सूरी छोटे बाबू, ये क्या है? शादी में गए थे या 5-स्टार होटल में? एक वो है जो मेरी नींद उड़ा रहा है और तू पैसा उड़ा रहा है। मिली तो भला ये हमारे घरों में अनाज कैसे भरेंगे? हेलो। हाँ त्रिमूर्ति, मैं सूरी बोल रहा हूँ। नारायण नगर में शेट्टी की आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज रही है। वो अपनी औकात भूल गया है। अगर उसकी आवाज अभी बंद नहीं की तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। क्या फोन कर रहा है उसे? तू क्या दुर्योधन है और वो तेरा दोस्त कर्ण है? ए, तुझे और कोई नहीं मिला? मेरा दोस्त जग्गी है, उसके बेटे से दोस्ती कर ले, या फिर सलीम के 3 बेटों में से किसी से कर ले। मेरी जान पहचान के इस शहर में कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके लड़कों को छोड़कर ये क्या सड़क छाप से दोस्ती कर रहे हो? थू, तुम तो मेरी नाक कटा रहे हो। कि आप अपना कीमती वोट देकर मुझे ही जिताएंगे और उनका अहंकार कुचल देंगे। ए, इसका लाइव टेलीकास्ट बंद कर। अरे बाप रे साहब,
त्रिमूर्ति पहुंच गया। ये क्या बात, भाषण देने की आदत है ना तुझे? चल माफी मांग। टीवी में देख रहे थे, अब लाइव देखेंगे। माफी मांग, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चल बंटा है, मिलता हूँ। हम नाग को माफ कर सकते हैं, पर तू जैसे संपोले को नहीं। चल निकल। मैं सांप था सांप, लेकिन अब मेरा जहर खत्म हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके कदमों में गिर के आपसे माफी मांगता हूँ। बताइए, क्या ये काम आपके आदमी कर पाएंगे? सिर्फ एक कॉल में, एक कॉल में यहाँ पड़ा है। अगर मारने को कहता तो इसकी लाश पड़ी होती। पापा, आप हमेशा कहते हैं ना, हमारी हैसियत वालों से दोस्ती करो, लेकिन अगर कभी मैं फंसा ना तो सबसे पहले वही भागेंगे। लेकिन त्रिमूर्ति ऐसा नहीं है, वो अपनी जान दे देगा लेकिन मुझे बचाएगा। इसे कहते हैं दोस्ती। साहब, आम जो है वो मंत्री है और उसकी गुठली संतरी है। साफ साफ। अरे आप ये सब मुहावरा छोड़िए, त्रिमूर्ति पर ध्यान दीजिए, वरना संतरी मंत्री बन जाएगा। आइए खाजा भाई, आज क्या खाजा मारने आई है? ये सारे गाने तुम्हारे पास हैं? ये आग का दरिया है पिया, सिर्फ मौत इसका ठिकाना है। जरा सुर में गाओ। आग का दरिया है ये, डूब के जाना। हेलो हेलो, मैं सिद्धि विनायक मंदिर का पंडित बोल रहा हूँ। अब तक डेकोरेशन का सामान क्यों नहीं भेजा? क्या शमशान घाट से पांडे जी? देखिए, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कल 5 बजे मैं मर जाऊंगी। 7 बजे आप चिता तैयार रखना। अरे क्या बात कर रही हो, चिता के लिए नहीं हवन के लिए लकड़ी चाहिए। श्राद्ध के लिए? थोड़ा इंतजार करो पंडित जी, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपका होगा, वादा है मेरा। क्या पूछा था? तकलीफ क्या है? हेलो, फूल वाले फारूक भाई। कल 5:30 बजे मोगरे का हार ले आना, क्योंकि 5 बजे मैं मर जाऊंगी। तेरी यमराज जी से चैटिंग होती है क्या? तुझे कैसे पता तू मरने वाली है? हाँ, मैसेज कर दिया है। चिता जलाने के बाद जब सब घर आएंगे तो बिरयानी के साथ रायते का इंतजाम हो गया है। वो तुम कुछ कह रहे थे ना? डीजे पर सैड सॉन्ग। आप क्या है, बताया तो था पंडित जी। 7 फेरे तो नहीं हो पाए, लेकिन 7 बजे मेरी चिता जरूर जलेगी, उसके बाद अस्थि विसर्जन। लगता है तुम बहुत तकलीफ में हो। मेरे दिल का हाल आपको ही सुनने वाला नहीं है। मरना भी चाहो तो चैन से मरने नहीं देते। अरे तुम कुछ कह रहे थे ना? लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? मरने की इतनी तड़प क्यों, बताओगी? रहने दो, मेरी कहानी मेरे साथ ही जलने दो। तशरीफ टिकाइए, अब आराम से बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें। तकलीफ बताऊंगी तो तुम उसे दूर कर दोगे, और उसके बाद मुझसे तुम प्यार करने लगोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बोल। ठीक है, वादा करो कहानी सुनने के बाद मुझसे प्यार नहीं करोगे। नहीं है, खाली खाली मरने वाली है। और अगर हो गया तो? क्या कहा, प्यार हो जाएगा? वैसे तो सख्त हूँ, लेकिन पिघल गया तो? प्यार करोगे? प्यार करने के लिए मेरी कहानी सुनोगे और मुझ जैसे मासूम का फायदा उठाओगे? नहीं होगा। लाओ आप उन कड़क है। कड़क हो तो मेरे घर पर आके मुझे आई लव यू बोल के दिखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एड्रेस बता। एड्रेस जानना है? थोड़ी सी फ्री क्या हो गई, मुझसे मेरा एड्रेस जानना है तुझे? ए, पावली नशे में है क्या? बलती बलती बातें कर रही है। कहाँ नशे में हूँ? अगर इतनी हिम्मत है तो वर्सोवा आके बता। और वर्सोवा अगर पहुँच भी गया तो महाडा कॉलोनी आकर देखा। और अगर तू महाडा पहुँच भी गया तो तुझे गणेश मंदिर तो दिख ही जाएगा। और अगर तू गणेश मंदिर के पास पहुँच ही गया तो तुझे टीपी अग्रवाल का बंगला कहाँ है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बगल में एक डांस क्लास है। ठीक उसी के सामने मेरा घर है। अगर तेरे में हिम्मत है तो कल घर आकर मुझे आई लव यू बोल के दिखा। अरे कौन सी सोच में डूब गया है, अगर हिम्मत है तो कल घर आके दिखा। मतलब तू अपना एड्रेस नहीं बताने वाली ना? मैं क्यों बताऊँ अपना एड्रेस, खुद ही तो तू प्यार के बार बार गुण गा रहा था। अब क्या हो गया तुझे, ये प्रिया इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। अरे क्या बे त्रिमूर्ति, कौन सी दुखी आत्मा को काम पे रखा है, जब भी फोन करो वही उठाती है।
और बार बार एक ही गाना गाती है। जलाना है, आरती उठाना है, फूलों की माला चाहिए, मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही और फोन का रिसीवर साइड में रख दिया। अरे ये क्या भाई, वो दुखी आत्मा हमारी ही दुकान में आकर हमें ही लपेट कर यहाँ से चली गई। अरे मेरे ऑर्डर का क्या होगा? सुनो रे, आज अपन ने तुम लोगों की कसम खा ली है, अगर मैंने उस छोकरी को नहीं सुधारा तो अपन उसके प्यार में बिगड़ जाएगा। एड्रेस टोल्ड मी गणेश मंदिर बोली थी। क्या हुआ प्रिया, देखना इसे। हटे स्वीट हार्ट, टुडे आर मंगनी, योर फेस लटका। मंगनी लगूर से है ना, तो वो लटका हुआ ही रहेगा। ए यू टेक मी हल्का, मैं हूँ टेक्निकलर, आई मेक हर जिंदगी कलरफुल। तू क्या रंगीन करेगा? हिप्पो आंटी, आई एम आ रहा हूँ। प्रिया तेरी माँ की सटक गई है क्या? बता रही कौन सा नशा करके गई थी जो ये लंगूर पसंद आ गया। त्रिमूर्ति आएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो इसके साथ हनीमून पे ऊपर ही जाएगी। त्रिमूर्ति ही मेरी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो इस गधे के साथ जिंदगी काटनी पड़ेगी। लगता है ओनली टूडे यू पैदा हुआ और तू इसलिए डोंट नो मी। कर्जत से लेकर कसारा सब जगह नाम चलता है हमारा। संकट अपने अपने को देगा हुल पट्टी, निकाल देंगे तेरी पट्टी। क्यों नर रहा है बे, इतना मारूंगा तुझे भटक भटक के, आत्मा रहेगी तेरी भटक भटक के। चश्मा उतार बे लंगड़े घोड़े। What's that? I'm घोड़ा? घोड़ा नहीं तू घोड़ी है। क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे दामाद को? ओ सासू मम्मी, ओ साउंड वाले हो तो जाकर साउंड लगाओ ना। आंटी जी आज ये साउंड लगाने के लिए नहीं, मंडप में राउंड लगाने के लिए आया। आपकी बेटी और हमारी भाभी को बुलाइए। क्या फालतू की बातें कर रहे हो, आज इस टेक्निकलर से मेरी बेटी की मंगनी होने वाली है, इज्जत से दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को फेरे के बाद बुलाना, पहले हमारी भाभी को बुलाओ। प्रिया एक बार आप भी बुलाओ ना। प्रिया देख प्रिया, इससे शादी करेगी तो तेरी जिंदगी कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। मेरी जिंदगी की फिक्र करने वाले तुम कौन हो? अरे तेरा लवर? क्या कहा? लेकिन मुझे कभी प्रपोज किया? इसीलिए तो हमने शेरवानी पहनी है। सबने नहीं, मैंने पहनी है। ओ हीरो ये है मेरा मंगेतर। अगर तू वाकई मुझसे प्यार करता है तो इस टेक्निक कलर को ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा, फिर कहना आई लव यू। अबे सपेरे नागिन नागिन नागिन। अरे अरे मेरे टेक्निकल दामाची। आंटी सेव मी, आंटी प्लीज बचाओ। करने शादी करने टेक्निकल बन चल अंदर चल, शहनाई बजाता हूँ। बहुत मेहनत है बाप। अरे दामाजी अब तो अब इसका कलर के नाम से मैच हो। बहुत अच्छा, क्या गजब का मेकअप किया तुमने। हे तू फूल, यू थिंक इट्स केचप, इट्स असली ब्लड यू फूल। एक चुप कर, तू इसका साथ मत दे, मुझे यकीन नहीं है। हिम्मत है तो मेरे सामने मार के दिखा। ब्रदर नो, मुझे माफ कर। दामाजी रुकिए मैं सेटिंग करवाती हूँ ना, मेरे भाई की लड़की भी है। तो ऐलाने मोहब्बत कर दूं? सिर्फ आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता, अगर हिम्मत है तो सात फेरे लेकर मेरे साथ घर बसा के दिखाओ। बसाओगे घर? है हिम्मत तुम में? क्या बोली तू? घर बसाने के लिए कहा है। बड़ा घर या छोटा घर? सिर्फ हमारा घर। अच्छा वर्धन के कमीशन का क्या हुआ? देखो तेरे भाई का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर कैसा कमीशन? फालतू बात मत चुप। 18 तारीख तक का वक्त दे रहा हूँ, उससे पहले कमीशन पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा वक्त नहीं दूंगा। बंदा है वो डॉक्टर कौन है? अपने रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदार हैं? सर क्या सुन रहे? सूरी की दी हुई तारीख पर पैसा चाहिए, नहीं तो तेरे मौत की तारीख अपन तय करेगा, फैसला तू कर। हम्म
क्या कर रही है छोटी? दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े धो रही हूँ। कौन बोला तेरे को धोने के लिए? अरे ये क्या किया, सारे कपड़े कुएं में फेंक दिए। आइंदा कपड़े धोते हुए दिखी ना तो तेरे को भी कुएं में डाल दूंगा। अरे क्या है? ए, चुप कर। तू यहाँ पर आराम करने आई है ना, अपनी मर्जी का खाना खा और अपनी मर्जी से आराम कर, ताकि मेरा भांजा तंदुरुस्त पैदा हो। और सुन, अगर कुछ ऊंच नीच हुई ना तो तेरी भैया क्या है, चल अंदर, खराब कर रही है। कौन है तू? पहले ये बताइए कि ये कौन है? मेरी बेटी है। बेटी है? प्रेग्नेंट बेटी काम कर रही है और आप बैठ के टीवी देख रही हैं। आप खुद की बेटी के साथ ऐसा करती हैं, तो अपनी बहू के साथ मैं क्या करेंगी? करूं, तू कौन होती है बोलने वाली? इस घर की बहू। क्या बक रही है, मेरे बेटे से तेरी शादी कब हुई? शादी? ओहो, आपका बेटा मेरे लिए बंगला बनवा रहा है। बंगला? आपको यकीन नहीं होता, अभी उसे बुलाती हूँ। पैदाइश का फंक्शन हो या मरने का प्रोग्राम, स्टार्ट टू एंड हर चीज की सर्विस देगा त्रिमूर्ति साउंड सर्विस। हेलो, प्रिया बोल रही हूँ, तुरंत आकर मुझसे मिलो। उड़ के आता हूँ, लेकिन कहाँ आऊँ? तुम्हारे घर में। आपका बेटा हाजिर हुआ ना? हाँ हो गया। तो खुद ही पूछो इससे। बेटा तू इसके लिए बंगला बनवा रहा है। बंगला? हाँ। इसके लिए? ये झूठ बोल रही है। इसे अपनी कसम दीजिए तभी बताएगा ये। सच बोल रहा है ना तू? नहीं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे सिर पर हाथ रख के बोल। अरे अरे अरे, कैसा बेटा है तू, मेरे लिए तो एक कमरा तक नहीं बनवाया और इस छिपकली के लिए बंगला। हाँ, बंगला बनवा रहा है। बंगला नहीं, डांस हॉल। ये क्या इशारे कर रहा है? कैसे समझाऊं? माँ, मैं तो सब समझ गई हूँ। भैया, मैं तो एक छोटी सी 2x2 की खोली में रहती हूँ, मेरे लिए तो आपने कभी कुछ नहीं किया, तो इस डाइन के लिए बंगला क्यों? अरे रे रे, तू गलत समझ रही है छोटी। अरे ये झूठ बोल रहा है, असलियत मैं बताता हूँ, इसे केवल ख्वाब देखना आता है, घर तो इसकी माँ और मैंने मिलकर बनाया है, क्यों भाग्यवान? सही कहा जी। सुनो, तुम सिर्फ घर का नक्शा मेरे पास ले आना, मैंने बड़े बड़े ताजमहल बनवाए। मार्बल कहाँ से चुराया? ये कैसा परिवार है, ससुर जी बहू से नक्शा लाने को कह रहे हैं और मेरी सासू माँ अपनी प्रेग्नेंट बेटी से काम करवा रही है और खुद बैठ के टीवी देख रही है, आखिर कैसे रहूंगी मैं इस घर में? माँ, तू उससे काम क्यों करवाती है? क्या कहा? मैं उससे काम क्यों करवाऊंगी, वो खुद काम कर रही है। तेरे को बोला ना काम मत किया कर, बाहर की पब्लिक गलत समझती है, कितनी बार समझाने का तेरे को? कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, मना करो तो समझती नहीं है, इसके बाद काम करते हुए दिखी ना। चल अंदर जा, चल जा। बात ऐसी है कि दुनिया भर का कर्जा लेकर आप लोगों ने मेरी शादी करवाई है और कहीं नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके लिए आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने सुना है कि अगर ऐसी हालत में ज्यादा काम करूंगी तो शायद डिलीवरी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। भैया, आपको और पिताजी को मैंने हमेशा बहुत तकलीफ दी है, अब और तकलीफ नहीं दे सकती, माफ करना। डॉक्टर वर्धन को तुमने अरेस्ट किया है? जी सर। कोई भी ऐरा गैरा कंप्लेंट करेगा तो क्या सीधे जेल में डालोगे? वर्धन पे हाथ डाला मतलब मेरे ऊपर हाथ डाला। माफ करना सर, मुझे नहीं पता था आपके खास है। पगारे, फौरन बाहर निकाल। ए, किसने बोला खोलने के लिए? वो क्या मेरा बाप है जो मुझे बाहर निकालेगा? पहले तू बाहर आ जा। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देख वर्धन, बात को समझ, घर चल। बोला ना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब अचानक से रिश्तेदारी सूझ रही है तुझे, हट। कौन से रिश्ते से तू मेरा भाई है? क्या हम दोनों के बाप एक हैं? तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया जब तू पैदा हुआ था। त्रिमूर्ति छोड़ उसे। छोड़ यार, क्या कर रहा है? अरे त्रिमूर्ति मत मार, क्या कर रहा है? मेरे जस से आराम छोड़ है, उल्टी को बोला तू, तेरी आ,
त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मर जाएगा वो। अरे छोड़ उसे, छोड़। त्रिमूर्ति, अरे छोड़, मैं से छोड़। नहीं छोड़ूंगा फिर। अरे इंस्पेक्टर, वर्धन को अंदर कराया था ना मैंने, तूने छोड़ा क्यों उसे? सुनो, उसे छुड़ाने मिनिस्टर का लड़का आया था। ए, वो त्रिमूर्ति वर्धन को मार रहा था और तू खड़े खड़े देख रहा था। पता है ना वर्धन कौन है? जरा अपनी माँ को देख, कैसे आंसू बहा रही है। ए, तूने दोस्त के बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में नहीं। ये ठीक नहीं किया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। त्रिमूर्ति, जल्दी आओ, जल्दी करो। ये रुको। हिम्मत रख बेटी, अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अच्छा बैठ जा, आराम से। फौरन हॉस्पिटल ले चलो, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक। चलो चलो। घबराओ मत बेटा। माँ, एक मिनट, सूरी आया, उससे मिल के आता। जल्दी आना। हाँ, दो मिनट में। क्या बात है, जल्दी गाड़ी में बैठ। भैया जल्दी आ जाइए भैया, बहुत अर्जेंट है क्या? हाँ भाई, सवाल मत पूछ, जल्दी बैठ। उसे कहिए ना जल्दी आए। क्या है? हाँ ना, अरे पैसा लेने जाना है, भूल गया क्या? एक मिनट है बस। माँ, तुम लोग हॉस्पिटल पहुँचो, अपन वहीं पहुँचता। बेटा इसको कहाँ जा रहा है? तुम लोग निकलो ना। मैं, भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाइए। घबरा मत छोटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं भैया। ऑटो वाले, चल चला। नहीं भैया, क्यों रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। भैया भैया प्लीज भैया। अरे छोड़ो उसे भैया, जल्दी चलो। चल पहुंच गए बेटा। संभाल के बेटी, संभालो अपने आप को, आराम से चलो। कितना हो गया? सर, आपने पढ़ा नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है? वो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें पेट्रोल का खर्चा तो चाहिए। सर, हम ऐसे मसलों के लिए पैसे नहीं लेते हैं, ये तो हमारा फर्ज है। आप अंदर जाइए। सिर्फ 30,000 लेकर यहाँ क्या करने आए हो? हमें लगा था इतने में हो जाएगा, तो ऑपरेशन भी घर ही में कर लेता। हम तो हजाम है, बाल काटने बैठे हैं यहाँ, पर इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, कह देता हूँ। अब ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसकी हालत देख के समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ऑपरेशन करना जरूरी है, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। हेलो, इस टकले से कितना पैसा लेना है? पूरे 50 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं। त्रिमूर्ति, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तू पैसे लेके आ जाना, पूरे 50 लाख। लेकिन इतने पैसे का इंतजाम मेरे लिए बहुत मुश्किल। आ तो अपनी लड़की को यहाँ से लेके निकल, लेकिन रास्ते में कहीं मर मर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कुछ भी करके पैसा लाऊंगा। पिताजी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। देखा, ये खुद एक डॉक्टर है, बच्चा पैदा कर लेगी, इसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, ये नादान है, इसे नहीं पता ये क्या। माँ, कुछ नहीं होगा। चुप कर तू। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। पूरे पैसे होंगे तभी ऑपरेशन करूँगा। वैसे भी तुम जैसे लोगों से पहले ही पैसा लेना ठीक है, नहीं तो बाद में कहोगे कि खाने के लाले पड़े, पैसे कहाँ से दे। आपने बुलाया डॉक्टर? हाँ, पैसे आने तक इन्हें बाहर बिठाओ। डॉक्टर साहब, हाँ ले जाओ इन्हें। ख्याल रखना, मैं कहीं से भी पैसा लेकर आता हूँ। जल्दी आना। आइए। हाँ बेटी, हिम्मत रख, मैं यहीं पर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। डॉक्टर, उस लड़की को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, प्लीज डॉक्टर। मुझे मत सिखाओ, पहली बार ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, सब जानता हूँ मैं। डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए मैंने, तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ, पैसे आ जाएंगे तब यहाँ आना। चलो जाओ जाओ। आंटी, पैसे कब तक आ जाएंगे? आराम से, आराम से। धमकी दे रहे तू, तेरी ताकत जानता है, अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ए, आके इसे खत्म करो। ए, ए। आ 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
हेलो त्रिमूर्ति, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलना माँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, 1.5 लाख रुपए चाहिए। तू कुछ भी कर बेटा, मगर पैसों का इंतजाम कर। तेरी बहन बहुत तकलीफ में है बेटा, जल्दी कर। अभी पैसे लेके आता हूँ। सूरी बोलना क्या हुआ? तो यकीन मानो, कितनी भी मजबूत दोस्ती हो दरार आ ही जाएगी। जर जोरू और जमीन अक्सर रिश्ते खराब करने की वजह बनते हैं। अरे क्या हुआ? आप उनको जल्दी से कहीं पहुंचना है। अरे चल आ जा, मैं छोड़। नहीं नहीं, तू निकल, मैं ऑटो से जाता हूं। बोलना क्या बात है त्रिमूर्ति? अरे भैया, जिससे तेरा घर चलता है वही बेच डालेगा तो घर कैसे चलेगा? डॉक्टर पैसे आ गए। वेरी गुड, ऑपरेशन की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब। बच्चा तो सही सलामत है, लेकिन उसकी माँ को नहीं बचा पाया। I'm sorry. वर्धन बोल रहा हूँ। अरे तेरा पागल दोस्त त्रिमूर्ति मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अभी कहाँ है तू? मैं घर पर हूँ, वो मुझे जान से मार देगा, जल्दी आ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। खोल रे। त्रिमूर्ति रुक जा, त्रिमूर्ति रुक जा, छोड़ इसको। क्यों मार रहा है इसको? छोड़ दे त्रिमूर्ति, बोल रहा हूँ छोड़ दे इसको। अरे पीछे हट जा, जा। हे
बहुत हो गया तेरा, अब एकदम शांत हो जा। तू मुझ पे बंदूक तान रहा है सूरी, तू जानता भी है छोटे को इसने मारा, छोटे को मार डाला इसने सूरी। तेरी बहन मर गई तो क्या, मेरे भाई को मारेगा तू? क्या बोल रहा है? मेरी माँ का बड़ा बेटा है ये, हमारे बाप अलग है तो क्या हुआ, हमारी माँ एक ही है, वो मेरा भाई है। अब बात घुसी भेजे मैं, नहीं घुसी है तो बोल, गोली के साथ घुसाता हूँ। पर सूरी मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। ए, काय का दोस्त बे? दो बात हंस के क्या कर ली, खुद को मेरे बराबर समझने लगा? तू जैसे दो कौड़ी के लोग सिर्फ गुलाम होते हैं। मैंने बस अपने काम के लिए तुझे अपने साथ रखा था, लेकिन आज तूने ठीक नहीं किया। ए, तू सही में गुलाम है। ए, तू गंदी नाली का कीड़ा है। तेरी कोई औकात नहीं है। त्रिमूर्ति बंदूक नीचे कर दे। देख त्रिमूर्ति, मैं तेरा दोस्त हूँ तो मुझे नहीं मार सकता। नहीं त्रिमूर्ति नहीं। तेरे भाई ने मेरी बहन को मारा है, लेकिन मैं तेरे भाई को नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसकी जान बचाई है। लेकिन अब उस डॉक्टर की मौत उसी के भाई के हाथों होगी, और उसके बाद मैं अपने दोस्त को मारूंगा। मेरा सच्चा दोस्त सिर्फ एक ही था, और वो था तू। लेकिन आज के इस हादसे के बाद तू मेरा दुश्मन है। तेरी मेरी दोस्ती आज से मेरे लिए खत्म है। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शता। त्रिमूर्ति, दोस्ती हो या दुश्मनी, सब दिल से निभाता है।
हेलो वर्धन, पुलिस का इंतजाम बिल्कुल सही है ना? हाँ, पेशेंट से ज्यादा पुलिस वाले। वो जहाँ कहीं भी दिखेगा उसे गोली मार दी जाए। अगर वो गलती से यहाँ तो मुझसे गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार मैं खुद उसे गोली मारूंगा, समझा क्या? ए, गोली है ना इसके अंदर, सर में मारना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। त्रिमूर्ति दुनिया की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन मेरी नजरों से नहीं। और अगर इनकी नजरों से बच गया तो मेरी नजरों से नहीं बच सकता है। हाँ, सर, त्रिमूर्ति आ रहा है। आने दे बे, फुल चेकअप करेंगे, चलो शुरू हो जाओ। ए चकले, रुक, वीक लगा। ठीक है सर। ये त्रिमूर्ति नहीं है, चल जा बे अंदर। ए खटमल, रुक बे, बाल चेक करने दे। असली है क्या कर रहा? मुछिला, ठीक है भैया जी, स्माइल, ये भी नहीं है। चल अंदर जा। सर, गाड़ी ठुक गई, चलो जल्दी। चलो जल्दी उठाओ। संभल कर, आराम से, चलो धीरे धीरे, आराम से। एक एक्सीडेंट केस है। एक्सीडेंट केस तो पहले पुलिस कार्रवाई करेगी ना? सर, हमी ने एडमिट कराया है। चलिए, नहीं तो आप ही अंदर हो जाएंगे। चलिए। हे, हे, सुनाई दे रहा है? मुझे सुन सकते हो? आ गई तेरी मौत। अब पेशेंट की हालत कैसी है? क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ टेस्ट के लिए बाहर ले जाना होगा, बचने के बहुत कम चांसेस हैं। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ओके डॉक्टर। बदतमीजी है ये। I am a doctor. ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है तू। एक वक्त था जब डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता था, लेकिन तुझ जैसे राक्षसों ने डॉक्टर ही को धंधा बना लिया और गरीबों को खिलौना। तू एक डॉक्टर नहीं, कसाई है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पता है तुझे, जिस ऑटो वाले ने मेरी बहन को हॉस्पिटल तक पहुंचाया वो डॉक्टर तो नहीं था, पर उस गरीब में इंसानियत थी। एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली और तू एक डॉक्टर होकर पैसे की लालच में लोगों को मार देता है।
तू जान लेने वाला मौत का व्यापारी है। लोगों के शरीर को काटता है और खुद की जेब भरता है। पैसे नहीं होंगे तो ऑपरेशन नहीं करेगा और खुद को डॉक्टर कहता है। हैवान है तू। कोई औरत अनजान को अपना जिस्म नहीं दिखाती, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर ही है जिसके सामने वो ऐसा कर पाती है, क्योंकि एक डॉक्टर पर उसे पूरी तरह भरोसा होता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर को एक भगवान मानती है, लेकिन तुझ जैसे नीच ये बात क्या समझेंगे? तुझ जैसे लोग अपने जमीर को मारकर खुद को खुदा समझते हैं, हैवान! तुझ जैसे जहरीले नाक को अगर मैं जिंदा छोड़ दूं, तो तू ना जाने कितने मासूमों की जान ले लेगा, और मेरे जिंदा रहते ऐसा हरगिज नहीं होगा। तेरी मौत हर नीच डॉक्टर के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी। बचाओ! पैसों की लालच में प्रेग्नेंट औरत को डरा धमका कर जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करते हो, फिर चाहे उस ऑपरेशन में उस औरत की जान चली जाए या उसका मासूम बच्चा मर जाए, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन मरी नहीं है, तूने मारा उसे। तू किसको फोन करेगा ये सब मुझे नहीं मालूम। सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास, उसी में मेरे माँ बाप और मेरे दोस्त पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाने चाहिए और उनका फोन मुझे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इस बंदूक की हर एक गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। फोन दे रहे? ले पकड़। हाँ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। बकवास बंद कर। फोन लगा रहा हूँ ना। फोन लगा। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, पहले पता करो। हाँ कर रहा हूँ। फोन बिजी बता रहा है। फोन कर रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ए क्या पुलिस कर रहा है? अरे किससे बात कर रहे हो? फोन उठाना। ए रुक। ए मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे बस मेरा भाई चाहिए, समझाना। पहले तुम उसका पता लगाओ। बंदूक दिखा के डरा मत। लगा रहा हूँ फोन। हाँ लगा रहा हूँ। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अबे दीवाने किससे बात कर रहा है? फोन उठा। कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे क्या कर रहे हो? फोन उठाओ ना, किससे बात कर रहे हो? ए रुक। ए एक घंटे में अगर वर्धन नहीं मिला ना, तो पूरे शहर में आग लगा दूंगा। अबे क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठाओ ना। अरे तू बंदूक हटा। ए इंस्पेक्टर कुछ पता चला क्या? नहीं सर। अरे तो झक क्या मार रहे हो, कहीं से भी ढूंढ निकालो उसे। ए, क्या कर रहे हो? कोई फोन नहीं उठा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। कुछ भी हो, चाहे त्रिमूर्ति को मार डाल, बस मुझे मेरा भाई चाहिए। मिलिट्री कमांडोज या सूंघने वाले कुत्तों को बुला लो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बुड्ढे सो गया क्या? ये बंदूक हटा ना। एक काम करो, तुम वहाँ जाकर देखो और अकेले मत जाना। अरे फोन उठाओ ना, तू देख रहा है ना मैं फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। सुन कैसे भी मेरे भाई को ढूंढ। मेरी सुपारी लिए क्या? ए झोला छाप डॉक्टर, लैंडलाइन पे फोन लगा कर रहा हूँ। एक काम करो, अपने सारे लड़कों को इसी काम पर लगा दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। एसएमपी काट दो, मैं बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा। ए, अरे बुढ़ाओ फोन क्यों नहीं उठा रहा? यार गोली। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। अरे क्या कुछ नहीं होगा। अरे मैं फिर से फोन आया। हेलो पापा, मैं वर्धन बोल रहा हूँ, मुझे बचा लो। अरे कहा ना रख फोन। ठीक है। अबे बुढ़े सठिया गए क्या? फोन उठा के बात क्यों नहीं कर रहा? कहीं तू भी इन लोगों से मिल गया क्या? इतने लोगों से क्या होगा, जरूरत पड़े तो मिलिट्री बुलवा लो। साहब एक बार बात तो कर लीजिए। कट कर बेवकूफ, कट कर बेवकूफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बात क्यों नहीं कर रहे? अबे कान पे लगा अपने फोन। कर रहे हो? बात कर। हेलो पापा। ए बात कर। बात कर रहा हूँ ना। हेलो। कब से एक ही बात बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। माँ जल्दी करो, पापा को फोन दो। हेलो मैं वर्धन बोल रहा हूँ, माँ पापा को फोन दो ना। दीदी उस नीचे वर्धन का फोन है, बहुत चिल्ला रहा है। हेलो हाँ वर्धन बोलो बेटा। अरे क्या बेटा, मरने जा रहा हूँ मैं, त्रिमूर्ति के माँ बाप को जेल से छुड़वाओ। उससे डरना मत बेटा। अरे बंदूक मेरे सर पर है, डरना। क्या हुआ? कमिश्नर को फोन कर। हेलो सुन बेटा, तू फिक्र मत कर, हम सबको छोड़ दिया है उन्होंने। अच्छा ठीक है। भाई सब बाहर आ गए? पिताजी जरा देव को फोन देना। हाँ बोल त्रिमूर्ति। सुन बे, जो जगह मैंने बताई माँ और बाबा को वहीं लेकर चला जा, मैं वहीं पर मिलता हूँ। ठीक है समझ गया।
डॉक्टर, तूने आज बहुत मार खा ली, ये ले दवा खा। ये काय की दवा है? अबे नल्ले डॉक्टर, ये विटामिन की दवा है, ले खा। नहीं नहीं चाहिए। अबे बोतल दे रहे इसको। मैंने तुझे जो दवा खिलाई है वो असल में एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब उसमें, एक बॉम्ब तुझ में। अब तुझे मैं एक डेमो दिखाता हूं। बता रहे तीन बज गए, ये कब फटेगा? आधे घंटे में फटेगा, यानी तेरे पास आधा घंटा है, उसके बाद तू डॉक्टर से डायरेक्ट हो जाएगा। या तो तू अब अपने भाई को मारेगा, वरना तू मारेगा। भाई से बहुत प्यार करता है ना, चल भाग अभी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी ट्रेस करो उसे। अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? अब हाथ उठाएगा तो अच्छा नहीं होगा। अबे नशा करके आया क्या? दबाओ। बहुत हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है पंडित जी। हेलो साहब, मैं रामू बोल रहा हूँ। आपके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं, मालिक आप जहाँ कहीं भी हो फौरन घर आ जाइए, वरना गजब हो जाएगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ए जल्दी चलो, तुम भी चलो। ए क्या कर रहा है? अबे रुक जा। ए नहीं नहीं नहीं, अबे नहीं ऐसा मत कर। ए नहीं, ए क्या क्या कर रहा है तू? ए रुक। त्रिमूर्ति, क्यों मेरी जान? अपनी जुबान का पक्का हूँ, बोला था ना तेरे भाई को तेरी हाथों से मरवाऊंगा, क्यों आया ना मजा? ए, अब तेरी सांसें भी कल तक ही चलने वाली हैं, उसके बाद मैं तेरा दी एंड करूंगा। त्रिमूर्ति आप उनकी बोली बंदूक की गोली। पापा, पापा, उस त्रिमूर्ति ने मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया। ए, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? तुम मंत्री किस काम के हो? हाँ, सारे शहर में ढूंढो उसे, खत्म कर दो उसे। ए, त्रिमूर्ति! सुन बेटा, त्रिमूर्ति तूने हमारी बहुत मदद की है, ये गांव भी तो तेरा ही गांव है, ये सब यहाँ महफूज रहेंगे, मैं हूँ ना, तो चिंता मत कर। सही कहा,
इस गांव में मम्मी पापा को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सुन छोटू। जी भैया। माँ और बाबा का ख्याल रखना। ठीक है भैया। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वहाँ मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। अब तुझे ही जिम्मेदारी संभालनी है। इसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। जहिन सर। सूरी कहाँ है जानते हो तुम? जिस होटल में रुका है वो पता है सर, लेकिन रूम नंबर नहीं पता। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे सर। पकोड़े में ये क्या है यार, होटल में दारू की बोतल नहीं है और इस होटल के रूम का नंबर क्या है ये भी नहीं पता। तो किसे मालूम है? ये बात कोई नहीं जानता, पर मुझे वो रूम नंबर अच्छी तरह पता है, 305। शिकंजी पी लेता हूँ। क्या कर रहे हो? वो डराता क्यों है? घबराइए मत, त्रिमूर्ति को मैं आज ही गिरफ्तार करूंगा। मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सबसे पहले हर एक घंटे में तुम लोगों का रूम बदल दिया जाएगा। अब फिर से तुम लोगों को रूम बदलना है। ये छुपा छुपी क्यों? एक घंटे के लिए तुम लोगों को यही रहना होगा। सर हम दो घंटे रह लेंगे, बस दारू और चखना भिजवा दीजिए। आप लोगों का होश में रहना जरूरी है। ये तो हमें घुमा रहे हैं, वो भी शतरंज के मोहरों की। ये शतरंज की चाल नहीं, पुलिस का दिमाग है। पुलिस का शातिर दिमाग मैं अब इस्तेमाल करूंगा। सूरी इस वक्त कहाँ छुपा है? त्रिमूर्ति को फोन करके बता दो। ये क्या कह रहे हैं सर? जो बोला है वो करो। हेलो त्रिमूर्ति भैया, मुझ पर भी सूरी और उसके बाप ने बहुत जुल्म किए हैं, बस इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। ममता होटल रूम नंबर 402 में वो छुपा बैठा है, आप मार डालो उसे, अपने हाथों से ही मारना। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वहां। ठीक है भैया। पुलिस वाले का फोन था, मुझे जानबूझकर सूरी की टिप दे रहे थे ताकि मुझे गिरफ्तार कर सके, लेकिन अब उनको डाउट हो रहा है। चेक कर लेते हैं। ए, ममता होटल में फोन लगा। हेलो। हेलो, मैं मंत्री का पीए कम सीए बोल रहा हूँ। सूरी की दूरी मुझसे जल्दी कम करवाइए। एक सेकंड सर, मंत्री जी के घर से फोन है, वो सूरी सर से बात करना चाहते हैं, करवाऊं क्या? फोन इधर लाओ। हेलो। हेलो सर जी, यहाँ मंत्री जी के घर पे त्रिमूर्ति आया है, बड़ी ही विनम्रता से उनकी धुलाई कर रहा है। क्या? कुछ दिन पहले मंत्री जी के बेटे की मैयत उठी थी, लगता है आज मंत्री जी की उठने वाली है। मंत्री जी को मरने से बचा लो, मेरी पगार बाकी है। त्रिमूर्ति मत मारो मुझे, त्रिमूर्ति छोड़ो मुझे। त्रिमूर्ति मंत्री के घर पर है, कम ऑन फॉलो मी। साहब, बड़े साहब का फोन है। हाँ पापा। क्या बोलती कंपनी? होटल ममता रूम नंबर 402 में है ना, तेरे को क्या लगा पता नहीं चलेगा? सुन बे, अपने शूटर हर जगह फैले हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर भी। एए, तू पुलिस की प्रोटेक्शन में रहे या आर्मी की, बचेगा नहीं। सर टॉयलेट इस तरफ। त्रिमूर्ति आ रहा है। अरे ये क्या, लिफ्ट रुक क्यों गई? King Dong Bell! Hey, पापा को फोन लगा जल्दी। क्या हुआ? फोन लगा के नहीं? बज रहा है, उठा नहीं रहे। मारते क्यों? ये ले तू लगा। हेलो। Hey, उठाया कि नहीं? अरे उठा नहीं रहे। अरे इसको दे। क्या करूँ तू लगा? उठाया कि नहीं? नहीं उठा रहे, मारना मत। तू किसी काम का नहीं है। इसका बाप नहीं उठा रहा, मार हमें रहा है। तू लगा अभी? तू लगा ना, तू ट्राई करना। नहीं, मैं नहीं, तू लगा। दे, मैं ट्राई करता हूँ। अभी नहीं उठा तो हम दोनों मारेंगे।
पापा क्या कर रहे थे तब से? नहा रहा था पगले। अरे हम लोग यहाँ मुसीबत में हैं। ये क्या बोल रहा है? त्रिमूर्ति मुझे मारने आ रहा है और यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है। आप जल्दी कुछ कीजिए। मैं अभी वहाँ आता हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर, पता चला कि त्रिमूर्ति आपके घर पर है, इसलिए हम वहीं जा रहे थे। अरे त्रिमूर्ति घर पर नहीं, होटल में है। मेरे बेटे को मार डालेगा, जल्दी गाड़ी घुमाओ। अरे बेटा रोको रोको रोको, मेरी बेटी को लेबर पेन हो रहा है, उसे अस्पताल ले जाना है, मेरी मदद करो बेटा। बेटा सुनो ना, बेटी बेटी सब्र कर, मेहरबानी करके बेटा हमें अस्पताल ले चलो, आपका एहसान होगा। बेटा बेटा मदद करो बेटा, बेटा हमारा ऑटो खराब हो गया है, हमारी मदद कर दो ना। जल्दी बैठिए माँ जी। हॉस्पिटल आ गया बेटा, हिम्मत रखो बेटा। से। इन्हें अंदर, इसे अंदर ले जाती हूँ। भैया आप भी साथ चलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ, नहीं भैया। माँ, बेटी, बेटी हिम्मत रखो। ठीक है। डिलीवरी वार्ड कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। जल्दी आइए। संभाल कर। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, माँ और बच्चे दोनों की ही जान को खतरा है, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। घबरा मत बेटी, कुछ नहीं होगा। फौरन 1 से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करो। इतने पैसे कहाँ से लाए साहब? तो यहाँ क्यों चली आई? मदद कर दीजिए। खैराती अस्पताल समझा क्या? तुम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने बाप की जागीर समझते हो? पैसे का इंतजाम हो सके तो रुको, वरना अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। लेकिन रास्ते में कहीं मर मर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर साहब, इसका दर्द बढ़ता जा रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। जब पैसे नहीं रहते तो बच्चा क्यों पैदा करते हो? बस मुंह उठा के हमारी जान खाने आ जाते हो। मैं आपसे भीख मांगती हूं डॉक्टर साहब। मैंने डॉक्टर की डिग्री पैसे कमाने के लिए ली है, तुम जैसे भिखमंगों की मदद करने के लिए नहीं। अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। इसे डालकर घुमा दूंगा ना तो सारी गाड़ियां बाहर आ जाएंगी। अगर डिलीवरी में गड़बड़ हुई तो तेरा ऑपरेशन मैं करूंगा। कर डिलीवरी करना जल्दी। बुलाता हूँ। अरे कहाँ मर गए थे तुम सब? अभी मैं मर जाता हूँ, त्रिमूर्ति मुझे मारने आ रहा है, मुझे छुपा दो, बचा लो मुझे। हाँ छुपा दीजिए हमें, नहीं तो हम मारे जाएंगे, जल्दी कीजिए। लिफ्ट में फंसने की वजह से बच गए, वरना हमारा राम नाम सत्य हो जाता। एसीपी क्या कर रहे हो तुम सब? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? सर दरअसल अरेस्ट तो सबसे पहले आपके बेटे को करना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े बेटे का खून इसने किया है और इस कत्ल के गवाह आप खुद हैं। त्रिमूर्ति पर इल्जाम तो आप जबरदस्ती लगा रहे हैं, क्योंकि आप इस राज्य के मंत्री हैं, इसलिए हमें मजबूरी में आपकी बात माननी पड़ रही। तो मंत्री से ऐसे बात करते हैं? तो कौड़ी का पुलिस वाला मुझसे ऐसे बात कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझसे ऐसे बात करने की? वही तो, ये आदमी कैसे पकड़ेगा त्रिमूर्ति? वही पकड़ेगा, जिंदा भी नहीं, गोली मार के। कहना क्या चाहते हैं? हम एसीपी के लड़के को उठा लेंगे, फिर उससे कहेंगे त्रिमूर्ति चाहिए और उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी हमारे हाथों में है और नहीं किया तो उसका बेटा खत्म। खड़े क्या हो, जाओ एसीपी के लड़के को उठा लो। हाँ उठा लो। सर उस लड़की की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है। अब कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई बे? बोल बोल ना। तुम सबके सब छोटे और मक्कार हो। सर जिस त्रिमूर्ति को पुलिस ढूंढ रही है ये वही है। हेलो सर, मैं डॉक्टर सुरेंद्र बोल रहा हूँ, त्रिमूर्ति इस वक्त SVM हॉस्पिटल में है। तुमने बहुत मदद की बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अरे माँ जी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? भैया
अरे संभाल कर। अरे आराम से। अगर आप मदद नहीं करते तो आपकी बहन की तरह ये डॉक्टर मेरी भी जान ले लेते। प्रेगनेंसी के दर्द को कोई डॉक्टर नहीं समझता, लेकिन इसके जरिए पैसे कमाना हर डॉक्टर जानता है। पहले परिवार और औरतें प्रेगनेंसी में होने वाली तकलीफ से डरते थे, और आज के जमाने में प्रेगनेंसी के खर्चे से डर लगता है। मैंने जरूर कोई नेक काम किया होगा, तभी तो आप इस तरह फरिश्ता बनकर मेरे सामने आए। लेकिन आप इस तरह कितनी औरतों को बचा पाएंगे, क्योंकि अब हर हॉस्पिटल में ऐसे ही डॉक्टर हैं। अब इसे धंधा बना लिया है, आप किन किन से लड़ेंगे? इसके शिकार ज्यादातर हम जैसे गरीब लोग होते हैं। आप अकेले लड़कर इस समस्या को खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हम सबको आवाज उठानी होगी। उसके बाद ही इस समाज में कोई बदलाव आएगा। अच्छा माजी, चलता। अच्छा डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो मंत्री जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे ना? हमारे एसीपी साहब ने त्रिमूर्ति को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया, बढ़िया। एसीपी साहब ने वादा पूरा किया पुलिस से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो नंगा कर देंगे। कहाँ ले जा रहे हो उसे? हम लोग सीधा हेडक्वार्टर जा रहे हैं, हो सके तो वहीं आ जाओ। अभी आया। ए, हेडक्वार्टर चलो। पुलिस वाले, मैं त्रिमूर्ति का आदमी बोल रहा हूँ। तू हमारे त्रिमूर्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल में डालना चाहता है ना? कोई बात नहीं, डाल दे, पर एक बात जान ले एसीपी, मैं तेरे बेटे को ऊपर पहुँचा सकता हूँ। तू इसे मेरी कोरी धमकी मत समझ, मुझे लगता है तुझे यकीन नहीं हो रहा। ले बात कर। पापा पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा पापा, मुझे आज ले चलो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। राहुल प्लीज पापा, मुझे ले चलो पापा। अब तो तुझे यकीन हो गया होगा। सुन एसीपी, अब अगर तूने हमारे त्रिमूर्ति को हाथ भी लगाया तो तेरे बेटे का सिर और धड़ अलग करके रख दूंगा। फिर तू गोविंदा, तेरा बेटा भी गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। सर गाड़ी क्यों रोकने को कहा? त्रिमूर्ति को छोड़ दो। बड़े मुश्किल से हाथ लगा है। मैंने कहा छोड़ दो उसे। सर इतनी आसानी से हम उसे नहीं छोड़ सकते। जो कहा फौरन करो। सर इसको छोड़ दिया तो पब्लिक पुलिस पे थूकेगी। उसे फौरन छोड़, वरना तुझे सस्पेंड कर दूंगा। छोड़ो भाई छोड़ो। इसको छोड़ा तो पुलिस की बदनामी होगी, यही तो समझा रहा था। समझाना था ना। अबे चल छोड़ इसे। कहाँ रह गए, कब आएंगे? देखिए आ गए एसीपी साहब। त्रिमूर्ति कहाँ है? माफ कीजिएगा मंत्री जी, असल में रास्ते में हादसा हो गया। मार दिया उसे? नहीं सर, छोड़ दिया। छोड़ दिया सर? क्यों? त्रिमूर्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया था सर, पर रास्ते में सर को एक फोन आ गया। कैसा फोन? फोन सुनकर साहब को झटका लग गया। क्या मतलब? बताएंगे तो आपको भी झटका लगेगा। बोलो क्या हुआ? त्रिमूर्ति के साथियों ने सर के बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर हम त्रिमूर्ति को नहीं छोड़ते तो वो बच्चे को मार देते। हमारे पास छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था सर। हेलो साहब, मैं आपका पीए ब्रह्मा बोल रहा हूँ। आपने जैसा हुक्म किया था मैंने उससे भी बढ़िया काम किया है। त्रिमूर्ति का आदमी बनकर मैंने उसे फोन किया और उसे धमकाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो कांपने लगा। त्रिमूर्ति को गिरफ्तार करेगा तो वो उसे छोड़ भी देगा, और फिर मैं उसे आपके कदमों में डाल दूंगा। जिंदा लाऊंगा या मुर्दा उसकी गारंटी नहीं है। साहब अब किसी भी तरह से बस मुझे नगर सेवक का टिकट मिल जाता तो। ए, जान से मार दूंगा, फोन रख। आपको भी धमकी मिली क्या सर? चुप कर, चलो चलो यहाँ से। मामला कुछ आलू घोटाला है।
ए त्रिमूर्ति, बहुत लुका छुपी खेलने का शौक है ना तुझे? बोल बेटा, अब कौन से बिल में जाके तू छुपेगा? हाँ, चलो त्रिपाठी, फौरन पहना दो हथकड़ी से। मैडम, आपका गुनहगार आपके सामने खड़ा है। हम सब ने बहुत मुश्किल से ओवर एक्टिंग की है, अब हमें हमारे पैसे दे दो। थैंक्स। ए जानू, तुम पता नहीं कहाँ भटकते रहते हो, इसलिए ये नाटक किया ताकि मैं तुम्हें यहाँ मिल सकूं और मैं जी भर के तुझसे प्यार कर सकूं। अब अपनी बकवास बंद कर और ये हथकड़ी खोल। खोलती हूँ। अब जाके फंसा। 10 लाख रुपए के इनाम के लालच में त्रिमूर्ति का सगा भाई फंस गया सर। अब त्रिमूर्ति को हमारे पास आना ही होगा। आपके सामने ही उसे मारूंगा मैं, बस उसके यहाँ आने की देर है। सर वो आ गया है, भेजूं क्या? अरे अरे आ गया मेरे बच्चे, तू तो एकदम हीरो दिखता है। ए, तेरा भाई कहाँ है बता? अगर मैंने बता दिया भैया कहाँ है तो मुझे 10 लाख रुपए दोगे? ए, 10 लाख की क्या बात करता है बच्चे, तू मुझे उसका पता बता, मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। हाँ? पूरे 20 लाख। जब से बहन का स्वर्गवास हुआ है भाई थोड़ा अपसेट रहता है, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी रास्ता बताओ, मैं फौरन लिख लेता हूँ। चुप कर, तू बता क्या करना है। आप लोग मेरे भाई को फोन कीजिए और उससे कहिए कि आपने मुझे किडनैप कर लिया है, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो जैसे यहाँ आए आप लोग उसे पकड़ लीजिएगा और मेरा पैसा मुझे दे दीजिएगा, वो भी कैश। जैसे ही तेरा भाई यहाँ आएगा तुझे पैसे मिल जाएंगे। गले लग जा, अपने सगे बेटे को भी ऐसे पप्पी नहीं दी। हमारे साहब ऐसा कहते रहते हैं। एसीपी साहब, ये मामला हम आपस में ही निपटा लेंगे, आप अपना काम कीजिए। त्रिमूर्ति, तेरे इशारों पर मैंने बहुत नाच लिया। हाँ। अब नाचने की बारी तेरी है। ज्यादा कान मत चबा और मैटर बोल। ए, मैटर की बात मैं नहीं करूंगा, तेरा छोटा भाई करेगा। ए, ये ले। भैया भैया, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग मुझे जान से मारने के। भैया मुझे बचा लो, भैया मारो, भैया मुझे बचा लो। छोटू घबरा मत, घबरा मत। भैया बहुत मार रहे हैं। भैया मंत्री ठोक डालूंगा। बचा लो भैया, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। छोटी ये तो बता कहाँ है तू? बता था भैया, मुकेश मिल कंटेनर यार्ड के पीछे मुझे बांध के रखा है भैया गोडाउन में। भैया बचा लो भैया। ए, अब एहसास हो रहा है ना ये अपनों की तकलीफ क्या होती है? अब सुन, अगर तू यहाँ नहीं आया ना तो तेरा भाई खत्म। अपने भाई को बचाने वो यहाँ जरूर आएगा, काट डालना उसे। देखो तुम लोगों ने सिर्फ यहाँ मेरे भाई को बुलाने की बात कही थी, मार दोगे ऐसा नहीं कहा था? मार दिया तो हा? तो 3 करोड़ लूंगा। कितना स्मार्ट है रे तू, तुझे मेरे यहाँ पैदा होना चाहिए था। चलो ये सब बातें बाद में, पहले मुझे बांध के रखो। चलो त्रिमूर्ति गया। अरे जरा टाइट बांधो, ये क्या हल्का हल्का बांध रहे हो, ठीक से बांधो। ब्रह्मा बोल रहा हूँ, क्या पोजीशन है भाई? एक आदमी यहाँ बाइक से आ रहा है, ओवर। एक ही है ना, आने दो, मच्छर की तरह मसल देंगे, ओवर। ए तैयार हो जाओ भाई, 3 बाइक पे 5 लोग हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास 50 लोग हैं, मार मार कर कीमा बना देंगे, आने दो भाई। 5 से 10 हो गए, ओवर। अरे गिनती मत बता, आने दे सबको, हम सबसे निपट लेंगे। भाई पहले 1 था, फिर 5 थे, फिर 10 हुए, अब तो पूरा जिला आ गया है। भाई लगता है यमराज ने पार्टी बदल दी है। क्या कह रहा है, पूरा जिला आ रहा है? इस बात ने तो मुझे हिला दिया, अब क्लाइमैक्स। मंजू, मैं त्रिमूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ भैया, मैं कॉलेज के सारे लड़कों को लेकर निकल गया हूँ, फिक्र मत कीजिए, सब संभालूंगा मैं। उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए भैया, अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो हम सामने वाले की खाल निकालेंगे, आप फिक्र मत करो। चुड़ैल बाबा जिंदाबाद, 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 चुड़ैल बाबा जिंदाबाद। आ जाओ रे,
अरे भाई भागो, साहब मैं जरा सुसु करके आता हूँ। भाई बचाओ, भाई। साहब अब ज्यादा प्रेशर आ गया है। क्या? ओवर एंड आउट। ऊपर ऊपर। अरे मारने से पहले मेरी अर्जी स्वीकार करो, झंडा लो और मंत्री पे वार करो। बहुत अच्छी बात है, लाओ लीजिए। अरे मंत्री पे, अरे बाबा। मैं पीए ब्रह्मा। बहुत चक्की करने का शौक है ना तुझे? और मेरे कोटे को निकालता हूँ। मत मारो, मत मारो। मंत्री का पावर जानते हो ना? हम स्टूडेंट्स हैं, देश बदलते हैं। अबे मंत्री, अब तेरे को भी बदल डालेंगे। ले इसको आड़े में ला। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अरे हेलो पुलिस पुलिस। ओवर। कृपा करके हट जाओ, मैं मासूम बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। ए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे लिए तो आए। मंजू, इसे अपने साथ ले जा। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी चल। ए, रुक। मेरे भाई को किडनैप किया? तूने बहुत गलत किया। मेरे हाथ काटना चाहता था तू? मैंने माना, मेरा भाई बुरा था, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था। लेकिन तेरे भाई ने तुझे हमें सौंपने के लिए 10 लाख मांगे। सुन, और जान से मारने के लिए 3 करोड़। ए, खुद पूछ ले। इतना बुरा तो मेरा भाई नहीं था। देख क्या रहा है, अब मारना, अब मार अपने भाई को। ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? बहन को बचाने के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं थे तुम्हारे पास। पूरी जिंदगी भी कमाओगे ना तो भी 3 करोड़ नहीं जमा कर पाओगे। बस बहुत हो गया, तुम लोगों की मनहूस शक्ल मुझे और नहीं देखनी। अब मैं ये देश छोड़कर किसी और देश में जाके सेटल हो जाऊंगा। बस इसीलिए ये सब किया मैंने, और मेरा काम हो भी गया था, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी है। इन कॉलेज के लड़कों को बुलाने की क्या जरूरत थी? नमक हराम, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू लोगों की सेवा कर सके, और तूने ये सलाह दिया। तेरे बोलने से क्या होता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। अरे क्या मिलेगा सेवा करके? 25 से 50 रुपए। तुम्हारा बस चले तो मेरे हाथ में कटोरा दे दोगे। तू यहीं पैदा हुआ है और तू यहीं मर जाएगा। मैं राज करने के लिए बना हूँ, तेरी तरह लोगों की गुलामी नहीं करूंगा मैं। आई एम ए डॉक्टर। ए, तू इसलिए पढ़ाई कर रहा था ताकि तू विदेश जा सके, ताकि डॉक्टर बन के पैसे कमा सके। और क्या? आज के बाद अगर तेरे दिल में ऐसा ख्याल भी आया ना तो तुझे जिंदा काट दूंगा। बात खुशी भेजे में। ए, तेरे एक की वजह से देश बदलने वाला नहीं है। इसके शिकार ज्यादातर हम जैसे गरीब लोग होते हैं। आप अकेले लड़कर इस समस्या को खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हम सबको आवाज उठानी होगी। मुझे लगा कि तू एक अलग इंसान है, बाकियों की तरह नहीं है। डॉक्टर बन के समाज सेवा करेगा तू, गरीब बेसहारों का इलाज करेगा, लेकिन तू भी उन बाकी डॉक्टरों की तरह ही निकला जो पैसों के लिए जमीर बेचते हैं। मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू विदेश जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। सुन, तू चाहता है कि मैं इसी देश में सड़ता रहूं? किसी गली के कोने में छोटा सा दवाखाना खोल कर बैठने वाला मैं नहीं हूँ भाई। देखिए, देशभक्ति का कीड़ा तेरे अंदर होगा, मेरे जैसे लोगों के लिए देश एक शमशान है। नहीं,
अरे मत करो त्रिमूर्ति, क्या वो भाई है? मर जाएगा वो। छोड़ दे त्रिमूर्ति, क्या कर रहा है? सबसे पहले तुझे काटूंगा ताकि लोग मुझ पर सवाल ना उठाएं। उसके बाद कटेगा ये जो तुम जैसों का साथ देते हैं। बैठना, मेरी बात दिमाग खोल के सुन। अगर अपने बेटे की सलामती चाहता है तो मेरी मांगे सुन। मैं चाहता हूं एक कानून लागू हो और उस कानून को तू ही 3 दिन के अंदर लागू करवाएगा, वो भी पूरे देश में। और अगर ऐसा नहीं किया, नहीं तो क्या कर लेगा? ए बंजर जमीन, मरना है क्या? औकात से बाहर चला गया था। आजकल जमाना ऐसा है कि इंसान इंसान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन एक शख्स पर हर कोई भरोसा करता है, वो है डॉक्टर। लेकिन आजकल डॉक्टर व्यापारी बने हुए हैं और इनका सबसे बड़ा धंधा है डिलीवरी। मैं चाहता हूँ कि अब नॉर्मल डिलीवरी की ही सबसे पहले कोशिश की जाए, उसके बाद भी ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो वो मुफ्त में होना चाहिए। इस नियम का पालन होना ही चाहिए। जो हॉस्पिटल इस कानून को मानेगा उसे ही परमिट मिलना चाहिए, और जो नहीं मानेगा उसका कैंसल। सुन लिया मंत्री, इसमें तेरा भी फायदा है, हो सकता है तो मुख्यमंत्री बन जाए। इस ताकत का इस्तेमाल कर और इस कानून को लागू करवा, नहीं तो तेरा बेटा। चुप, आवाज नहीं, मेरी मांगे पूरी कर, वक्त नहीं है तेरे पास। एक आम आदमी की एक आम सी बात न जाने क्यों मेरे दिल को छू गई, और इसीलिए उस आम बात को एक कानून बनाने के लिए मैंने सभी पार्टियों की एक जॉइंट मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, और इस कानून पर आप सभी लोगों की राय चाहता हूँ मैं। बैठिए बैठिए, क्योंकि ऐसी समस्या सिर्फ हमारे राज्य में नहीं है बल्कि पूरे देश की है, और इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। किसी आम आदमी के कहने पर हम सबको ये करना पड़ रहा है, मेरे हिसाब से ये कानून पास कर दो। प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ एक जान ही नहीं है, एक परिवार की बात है। जब हमारी पार्टी सत्ते में थी तब मैं मंत्री थी, इस सब के बावजूद मेरा बेटा हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर गया, जिसका कारण था हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही। बिल्कुल सही कह रही है, प्रेगनेंसी के दौरान जो दर्द होता है उस दर्द को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता सिवाय एक औरत के, उसके बिना ये सृष्टि आखिर चलेगी कैसे? हमें ये कानून लागू करना ही होगा। हाँ, क्यों? ये कानून लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस कानून को फौरन लागू करो, प्रसव को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। जो डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए गर्भवती औरत को ऑपरेशन टेबल पे मार देते हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे इस आजाद देश में कई महान नेता गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस देश की सेवा की है और देश को आगे बढ़ाया है। गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दिलवाई, किसानों को उनका हक दिलवाया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, घर घर में राशन पहुंचाया, और हमारा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई मसले हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो मसला जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि इस मसले के हल के लिए हम सब एक नतीजे पर पहुंचे हैं, और ये कानून पूरे देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और इससे हमारे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगा। इसलिए आप में से जो लोग इस कानून को लागू करने के पक्ष में हैं, हाथ उठाएं। आप सभी का धन्यवाद। तो आप सभी की सहमति से ये कानून कल ही लागू कर दिया जाएगा। जिनसे सेटिंग नहीं हो पाई उन्हें बाहर ही छोड़ दिया है मैंने। अब मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिए। कल एक नया कानून पास होने वाला है, उस पर साइन करने के लिए कहेंगे, पर कोई साइन नहीं करेगा जब तक मैं न कहूँ, सब समझ गए? ओके मंत्री जी, ओके। साहब हम आपके लिए ही आए हैं, आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। शाबाश, अब जाओ कल मिलते हैं। ये बढ़िया है, चलो 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 चलो, चलो जल्दी। कल ये कानून नहीं पास होना चाहिए। आप ही ने तो पास करवाया, आप ही मना करें, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी आसानी से कोई जल्दबाजी नहीं। सम्मान के चक्कर में बेटी की बलि चढ़ा रहा। सम्मान और बेटा मुझे दोनों चाहिए। कानून लागू होने से पहले त्रिमूर्ति आपके बेटे को छोड़ेगा क्या? बेटे की परवाह नहीं मुझे।
देखना कल सुबह मीटिंग शुरू होने से पहले त्रिमूर्ति मेरे बेटे को मेरे पास न लाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा? हमारे अंडर कितने हॉस्पिटल्स हैं? करीब 20 होंगे। उन हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स हैं? अंदाजे से 200-250 होंगे। उस त्रिमूर्ति को रोकना है तो सभी डॉक्टर्स की स्ट्राइक करवा दो। डॉक्टर्स की स्ट्राइक? लेकिन मरीजों का क्या होगा? मरने दो उनको। त्रिमूर्ति को पकड़ने का अब यही एक रास्ता बचा है। जब एक एक करके मरीज मरेंगे ना तो खुद चलकर वो आएगा मेरे पास। साहब, ये आपकी नजरों में सही है? सही हो ना हो, जरूरी है। ओह, इसे आप जरूरत समझते हैं? जब अपना काम आसानी से हो रहा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मंत्री जी? हमारे देश में भूखमरी तो पहले से ही है। लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। ऐसा मत कीजिए, वो लोग मर जाएंगे साहब। ए, कोई मरे या जिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे, एक भेड़िये को क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोला? कुछ नहीं। तू मेरी बात सुन। हाँ, हाँ। ये स्ट्राइक आज ही करवा दो। अभी जाके शटर गिराता हूँ मैं। सबर कर बेटा, तू ठीक हो जाएगा। हम फंस गए डॉक्टर साहब। मेरा बेटा मर जाएगा, इसको देख लीजिए साहब, इसके पेट में दर्द हो रहा है। हासिल नहीं होगा चाचा, इसे ले जाओ त्रिमूर्ति के पास, वही इलाज करेगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। ए, ले जाओ इसे यहाँ से, चलो। क्या रे, तू तो कह रहा था हमारे अंडर में 20 हॉस्पिटल्स हैं, स्ट्राइक तो सिर्फ 4 में ही चल रही है। बाकियों ने कहा कि ये तुम्हारा पार्टी ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है। हम लोग राजनीति करने नहीं बैठे हैं, सेवा करने बैठे हैं। तुमने तो कहा था 250 लोग स्ट्राइक पर जाएंगे, तो सिर्फ 40 डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों गए हैं? बाकी के डॉक्टर्स ने कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं। हमारा काम है हर इंसान की जान बचाना। स्ट्राइक करके हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आपको बहुत सारी गालियाँ भी दी, इतनी गंदी कि आप उन्हें सुनकर सह नहीं पाएंगे। मैं सब सह लूंगा, तू बोल। खून चूसने वाले खटमल बुड्ढे। क्या बोला तू? साहब वो पुलिस वाला आया। अब ये किस लिए आया है? चलो। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? एसीपी, त्रिमूर्ति की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल चुकी है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वो अंबाला में है। मैं इसी वक्त वहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही वो सामने आएगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लूंगा। मेरा वादा है आपसे कि आधे घंटे के अंदर उस त्रिमूर्ति को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं निकलता हूँ सर। रुक जाइए आप, मुझे डर है कि कहीं आपको देखकर त्रिमूर्ति साहब के बेटे को मार ना दे। अभी अभी इन्होंने एक लड़के की अर्थी उठाई है, कहीं तुम उससे मिले तो नहीं? चुप कर, हट सामने से। ना समझ को मेरी बात समझ में नहीं आती और समझदार मेरी बात समझते नहीं है। अब आप फैसला कीजिए कि आप समझदार है या ना समझ। अब मुझे पुलिस को कब क्या करना है तुझे सिखाने की जरूरत नहीं? हाँ, तुमने कहाँ से और कितना सिखा हमें पता है। तू चुप कर। त्रिमूर्ति को जिंदा कैसे पकड़ना है और मेरे बेटे को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। कानून लागू हो गया तो त्रिमूर्ति बच जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू कौन है रे? मामूली एसीपी है, कोई बड़ा नेता नहीं है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी जान चली जाएगी, समझा? मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। मेरी ड्यूटी के चक्कर में मेरा बेटा मर गया तो? आपको अपना बच्चा प्यारा है तो मुझे भी मेरा बच्चा जान से प्यारा है सर। क्या आप जानते हैं कि त्रिमूर्ति ने मेरा बच्चा किडनैप कर लिया है? इकलौता बेटा है मेरा, आप समझते क्यों नहीं? तो बात तेरे बेटे की है। ए, फोन लगा उसे। हाँ साहब, बोलिए क्या हुआ? उस लड़के से बात करा। ए, बात कर। पहले बात कर। हेलो पापा, पापा मुझे यहाँ से ले जाइए पापा, ये अंकल बहुत डेंजर है पापा, मुझे मार देंगे पापा, मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज पापा। बेटा, बेटा राहुल। ए, ला यहाँ। पापा, पापा। ए, उस बच्चे को घर छोड़ दो। ठीक है साहब। तू घर जा, बच्चा घर आ जाएगा, ठीक है? चलो मेरे साथ। हाँ जी सर, आपके बच्चे को तो मिनिस्टर ने किडनैप करवाया था। अगर ये नीच राजनीति कर रहा है तो मैं पुलिस का पावर दिखाऊंगा। जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। अपने काम से काम रखो, जाओ पीछे बैठो। चल निकल भैया। भैया अपना मुंह मत दिखा। कर दीजिए भैया। त्रिमूर्ति, इसको छोड़ना मत। इस एक दरिंदे की वजह से ना जाने कितने मरीजों की जान खतरे में है, इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा। त्रिमूर्ति, जज्बाती मत हो, देश में कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसको छोड़ने की गलती मत कर। अगर एक भी जान चली गई ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल इसे छोड़ देते, बाद में देखते। चल त्रिमूर्ति।
कहां ले जा रहा है इसे? इसके बाप के पास। इतनी तकलीफ मत उठा, मैं इसकी लाश इसके बाप तक पहुंचा दूंगा। ए, तुझे लगा इतने दिन से तेरे बाप की गुलामी कर रहा हूँ, हाँ? पालतू समझा है? अजगर हूँ अजगर, बहुत दिन से ताक में था, आज तुझे निकल जाऊंगा। इसे काट के इसके बाप के पास भेज दो और कहो कि त्रिमूर्ति ने इसे मारा है। इसकी लाश देखकर वो शॉक में आ जाएगा और उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं राज करूंगा। राम नरेश शेट्टी जिंदाबाद, नाराज जिंदाबाद। जाओ पकड़ो इसे। कहा था ना मैं दिखा के नहीं करता, करके दिखाता हूँ। एक, तेरा खेल खत्म। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स? 120 या 130 पेशेंट होंगे हमारे हॉस्पिटल। डॉक्टर विष्णुवर्धन बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं ACP बोल रहा हूँ। क्या किसी और अस्पताल से आपके अस्पताल में 50-60 पेशेंट्स ट्रांसफर कर सकता हूँ? सर शहर भर के हॉस्पिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्ट्राइक पर नहीं है। जितने भी मरीज हो आप हमारे यहाँ भेज सकते हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, सबका इलाज होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Yes, sir!
आधे घंटे के अंदर अंदर अगर ये हड़ताल तूने खत्म ना की तो जिंदगी भर ये अस्पताल नहीं खुलेगा, समझे? ये बताओ कि तुम्हारे अस्पताल में कितनी प्रेग्नेंट लेडीज एडमिट हुई हैं? करीब 6। डॉक्टर उमा हियर। डॉक्टर दिस इज एसीपी हियर। क्या विशाल अस्पताल से 6 प्रेग्नेंट लेडीज को आपके अस्पताल में भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेजिए सर, घबराने की कोई बात नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच मैडम। Seal the hospital right now. Yes, sir. Hey, सिर्फ आधे घंटे का वक्त है तेरे पास, उससे पहले अपनी हड़ताल खत्म कर दे वरना ये याद रख, तुझे भी सील कर दूंगा। गाड़ियां निकालो। सब झंझट में पड़ने से अच्छा है कि मैं गांव जाकर खेती बाड़ी करूं। हर एक को फ्री में चावल मिलेगा, जरूर मिलेगा। रेंगते रेंगते गांव जाऊंगा और कभी तो पहुंचूंगा। क्या हुआ? अच्छी खबर बस अब आने ही वाली है, तब तक आप इस नीच को मत छोड़िए। पहले किसी भी तरह हड़ताल खत्म करवानी है, उसके लिए इसे छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, हमने स्ट्राइक रोक दी है। मंत्री के कहने पर हम सब बहक गए थे, उम्मीद है आप हमें माफ कर देंगे। आज से हम सभी डॉक्टर्स मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे। अगर इस वक्त इसे छोड़ दिया तो वो कानून लागू नहीं हो पाएगा। इसे मत छोड़िए सर। त्रिमूर्ति भाई ये सुन, त्रिमूर्ति की मांगों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रसूति से जुड़े हुए मांगों को पास कर दिया है और कल से ही ये सारे अस्पतालों में लागू हो जाएगा। मुझे पता चल गया है कि तूने ही मेरे बच्चे का किडनैप किया था। सर, मैं इसे कब का खत्म कर चुका होता। भले ये बुरा इंसान है पर इसकी वजह से देश में एक अच्छा काम हुआ है, इसलिए इसे जाने दीजिए। त्रिमूर्ति सर, मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार कीजिए प्लीज सर। बुराई पे जीत हमेशा अच्छाई की होती है, देख लिया ना, अब डांस हो जाए।